आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के लेवल 4 के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। धुदला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है धुदला, ठीक है, ला। धुद शब्द में ला प्रत्यय लगाने से धुदला शब्द बनता है, ठीक है। प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगते हैं, प्रत्यय याद रखिएगा, किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, याद रखिएगा, प्रत्यय हमेशा कहाँ लगेगा, लास्ट में, ठीक है, लास्ट में। चलिए आगे शुरू करते हैं। दोष हर्ता में प्रत्यय चयन करें, देखिए दोष हर्ता में हर्ता प्रत्यय जोड़ने से दोष हर्ता शब्द बना बन जाता है, ठीक है, और प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगता है, याद रखिएगा, हर्ता। चलिए आगे देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अपवाद में तो होना चाहिए, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। देखिए प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है, पहले लगता है, किसी भी शब्द के पहले, जैसे अपवाद में अप लगा है, पराजय में पर लगा है, प्रभाव में प्र लगा है, ओढ़ना। ओढ़ना शब्द ना प्रत्यय लग कर बना है, ओढ़ना में शब्द में ना प्रत्यय लग के प्रत्यय लगा कर बना है, और प्रभाव पराजय अपवाद उपसर्ग शब्द प्रयोग है, ठीक है, ना ओढ़ना, इसमें क्या लगा है, प्रत्यय लगा है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगता है, संस्कार में सम लगा है, ठीक है, संस्कार में सम लगा हुआ है, सम संस्कृत का उपसर्ग है, सम का अर्थ उत्तम सात एवं पूर्ण होता है, सम उपसर्ग से संस्कार शब्द बना है। पुरोहित में उपसर्ग है पूरा, देखिए पूरा उपसर्ग पुरोहित तथा पुरस्कृत शब्द बना है, पूरा उपसर्ग से पुरोहित तथा पुरस्कृत शब्द, देखिए दो शब्द है, एक है तो आपका पुरस्कृत, पुरस्कृत, ठीक है, और एक ये देख ही रहे हैं आप, पूरा, यहाँ भी पूरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। औनत, औनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है औ होगा, ठीक है, देखिए औ उपसर्ग अवगुण औनत अवनति, ठीक है, शब्द बना है, औ में उपसर्ग से औ अवगुण औनत अवनति, ठीक है, इसमें सब में क्या लगा है, औ लगा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये औ प्रत्यय इसमें लगा है, ठीक है, औ उपसर्ग लगा है, सॉरी, उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के पहले लगता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, ठीक है, सावधानी प्रत्यय कहाँ लगता है, बाद में, किसी शब्द के बाद में, देखिए धानी, हानि, सॉरी, देखिए सावधानी, सावधान ई लगा है, सावधान में ई लगेगा तो क्या हो जाएगा, या आनी, आनी प्रत्यय से योग से नौकरानी सेठानी और जिस्मानी एवं सावधानी शब्द बना है, तो यहाँ तो ई ई लग रहा है, ये पता नहीं ये रॉन्ग है या नहीं है, डाउटफुल तो है ही, ये डाउटफुल है।
ये डाउटफुल है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय बाद में लगता है, इष्ट होना चाहिए। ठीक है, इष्ट, कनिष्ठ। चलिए आगे देखते हैं। अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग पहले लगता है, अति शब्द में अति उपसर्ग लगा, अति शब्द में अति उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमावट में प्रत्यय लगा हुआ है, वट प्रत्यय लगेगा, आवट लगेगा, सॉरी। आवट भाववाचक तद्वित प्रत्यय है, आम प्लस आवट अमावट, आवट प्रत्यय लगेगा, याद रखिएगा।